सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको ये नहीं पता कि एक YouTube चैनल को कैसे ग्रो किया जाता है। जरा सोचिए और अपने आप से पूछिए कि आपको ये पता है या नहीं पता। यहाँ तक मेरा मानना है कि आप लोगों को पता है कि एक YouTube चैनल को कैसे ग्रो किया जाता है। अब वो चीजें आप अप्लाई क्यों नहीं कर पाते उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। YouTube पे काफी सारी आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिल जाती हैं जिसमें ट्रिक्स का बताया जाता है जो फेक गुरुस बनाते हैं। आप लोग उन वीडियोस को देखकर डबल माइंडेड हो जाते हैं। बहुत सारे बिगिनर्स उन चीजों को अप्लाई करते हैं और वहीं के वहीं रह जाते हैं। आप एक बात सोचिए, अपने आप से पूछिए, ये मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि आपको ये पता है या नहीं पता कि एक YouTube चैनल को कैसे ग्रो किया जाता है। आप लोगों को पता है, हो सकता है आपको YouTube गाइडलाइंस, आपको YouTube की पॉलिसीज के बारे में नॉलेज कम हो, लेकिन इतना आपको जरूर पता है कि YouTube चैनल को कैसे ग्रो किया जाता है। आपका YouTube चैनल शॉर्ट का हो चाहे आप लॉन्ग वीडियो बनाते हो, आपको पता है YouTube पे कहीं पे सब्सक्राइबर बेचे जा रहे हैं, कहीं पे वॉच टाइम बेचा जा रहा है। YouTube को मंडी बना रखा है, YouTube कोई एल्गोरिथम नहीं रहा, YouTube को कुछ फेक गुरुज ने मंडी बना रखा है। यहाँ पे सब्सक्राइबर बेचे जाते हैं और वॉच टाइम बेचा जाता है। तो बहुत सारे बिगनर्स उनके चक्कर में आ जाते हैं, वो चीजें अप्लाई करते हैं और अपने चैनल को फ्रीज कर लेते हैं। तो आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आपको पता है कि YouTube चैनल पर अगर हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, अपनी वीडियो में एडिटिंग को इम्प्रूव करेंगे, अपने थंबनेल्स को इम्प्रूव करोगे, अपनी वॉइस ओवर को इम्प्रूव करोगे, तो आपका चैनल जो है वो धीरे धीरे ग्रो होने लगेगा। बहुत सारे लोग ये चीजें अप्लाई नहीं करते क्योंकि वो शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हैं और शॉर्टकट के चक्कर में उनके सामने कुछ ऐसी वीडियोज आ जाती हैं और इन चीजों को अप्लाई करते हैं और ये उनका यूट्यूब चैनल फ्रीज हो जाता है। तो मेरा ये कहने का मकसद यही था कि देखो, आपको खुद को भी पता है कि आपको अपने YouTube चैनल को कैसे ग्रो करना है, बस आपको वो चीजें ही अप्लाई करनी है और इधर उधर की वीडियोस देखना बंद कर दीजिए जिसमें ट्रिक्स का बताया जाता है, जहाँ सब्सक्राइबर बेचे जा रहे हैं, वॉच टाइम बेचा जा रहा है, तो ये सब देखना बंद कर दीजिए। जो आपको पता है उसी को अप्लाई कीजिए। आपको पता है कि अगर हम अपनी वीडियो एडिटिंग को इम्प्रूव करेंगे, अपना वॉइस ओवर इम्प्रूव करेंगे और अगर हम थंबनेल्स को इम्प्रूव करेंगे तो धीरे धीरे हमारा जो यूट्यूब चैनल है ग्रो होने लगेगा। तो इतना आपको पता है, ठीक है, लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि कुछ फेक गुरुज ने आपको डबल माइंडेड कर रखा है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हो सकता है कि आपको गाइडलाइंस के बारे में ना पता हो, YouTube की कुछ पॉलिसीज हैं उनके बारे में ना पता हो, लेकिन इतना जरूर पता है आपको कि YouTube चैनल को कैसे ग्रो किया जाता है। बस आप उस चीज को अप्लाई कीजिए। YouTube पे काफी अच्छा अच्छा कॉन्टेंट भी है जिसमें सिखाया जाता है, उन चीजों को अप्लाई कीजिए, अपने वीडियो में इंप्रूव कीजिए और पेशेंस के साथ काम कीजिए। आपका जो यूट्यूब चैनल वो धीरे धीरे ग्रो होने लगेगा ही लगेगा। आप उन लोगों को मत देखिए जिनके चैनल एकदम से बूस्ट हो गए हैं, क्या पता उन्होंने पहले कितने चैनल बनाए हुए हैं और उनकी जो प्रैक्टिस है वो कितनी है, ये हम लोगों को नहीं पता होता। तो इसलिए आपको जिस भी चैनल पर आप काम कर रहे हो उसको इंप्रूव करते रहिए पेशेंस के साथ, एक ना एक दिन आपका जो यूट्यूब चैनल है वो ग्रो होने लगेगा। तो मेरे से प्रॉमिस कीजिए, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि इस 2024 को ऐसे वेस्ट नहीं जाने देंगे, आज से ही हम अपने कंटेंट में इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मुझे इतना ही आपको समझाना था कि ऊट पटांग देखना बंद कर दीजिए, इम्प्रूवमेंट कीजिए। आपको ही पता है कि आप अपने चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं, बस उस चीज़ को अप्लाई कीजिए। थैंक यू सो मच।